नमस्कार, सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट उल्टी गुल्टी बोल रही हूँ। देखिए, कल हमने पाव भाजी का मसाला बनाया था और घर में कुछ गरम गरम मसालेदार खाने की इच्छा होती है, तो एक दिन हमने जो ताजा मसाला बनाया है पाव भाजी का, तो आज मैं आपको पाव भाजी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर हम सब देख लेते हैं मसाले, किचन में चलिए। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो ये सब्जियां काट ली। ये है पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी है, ये फ्लावर है, ये गाजर है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और ये मैंने बीट लिया है। तो बीट को भी मैंने काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये सब्जियों को तड़का देने के लिए जो मसाला बनाना पड़ता है वो हम मसाला बना लेंगे। उस मसाले के लिए मैंने यहाँ पर ये लहसुन की कली ली है, तो मैं 5 कली अब इसमें मिक्सर में डाल रही हूँ। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा अदरक सूखा हुआ है वो मैं डाल देती हूँ, और मैंने ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये जो मसाला है इसको पीस के हमें पाव भाजी को तड़का देना है, तो मैं अब इस मसाले को पीस कर लेके आती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी डालकर मैं ये मसाला पीस कर लेके आती हूँ, फिर हम पाव भाजी को तड़का देंगे। ये पाव भाजी का मसाला मेरा पीस कर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुकर के नीचे हम गैस लगा देंगे, क्योंकि आज हम कुकर में पाव भाजी बनाने वाले हैं। और सबसे पहले हम उसको बटर और तेल डालेंगे, क्योंकि बटर जल जाता है। तो उसके लिए मैंने ये कुकर को गरम कर लिया है, और अभी हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे तड़के के लिए। जैसे ही कुकर और गरम हो जाएगा, तेज गरम हो जाएगा, तो मैं इसमें बटर डालूंगी। बटर जल जाता है इसीलिए उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद अभी हम ये कड़छी ले रहे हैं हाथ में, और अब हम इसमें जीरा फोड़ेंगे। बटर गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। जीरा भी अच्छे से हो जाएगा। जीरा होने तक हमें रुकना पड़ेगा। अगर जीरा फूल जाता है हमारा जीरा चटक रहा है। अब ये जो मसाला बनाया था मैंने, लहसुन, कश्मीरी मिर्च, नमक और अदरक का, तो ये अब मैं इसमें डालती हूँ। जीरा हमारा चटक गया। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। जैसे जैसे सब्जियां लगती वैसे ही डालूंगी। ये थोड़ा फ्लावर पत्ता गोभी थोड़ा ही लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है। ये टमाटर पूरा इसमें मैं डाल रही हूँ। ये फ्लावर है, ये फ्लावर भी थोड़ा सा डालती हूँ। थोड़ा सा गाजर, ये बीट मैं पूरा डालूंगी तो सब्जी को लाल रंग आ जाएगा। और ये थोड़ी शिमला मिर्च। अब इसमें मैं आलू धोकर रखी हूँ, वो आलू भी डाल रही हूँ।
पहले तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे पूरे मसाले को। सारी सब्जी को ये मसाला अब अच्छे से कोट हो गया है। अब थोड़ा गैस कम करके हमने जो कल बनाया था, एक दो तीन चम्मच पाव भाजी मसाला डाला, मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, हल्दी डाली है, और ये थोड़ा सा हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाहर पानी चालू है और हम मैदे के पाव खाने वाले हैं। इसके साथ ये तो हो गया अच्छे से। अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक से ये सब्जी अच्छे से गल जाएंगे। नमक डालने के बाद अब जितनी सब्जी है उतने लेवल का मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं, और हिलाने के बाद अब ऐसे ही कुकर का जो रस है वो एकदम लाल हो गया है। और अब हम कुकर को ढक्कन लगाकर इसकी हम 6 सीटी लेंगे। तो मैं कुकर को यहाँ पर ट्रांसफर कर रही हूँ और मैं अभी यहाँ पर तवा रख देती हूँ, और अभी हम कुकर की 6 सीटी लेंगे। और उसके साथ साथ ये जो सारे पाव है इन पावों को मुझे अभी भूंजना है। तो इस पाव को भूंजने के लिए मैं एक काम करूंगी, तवे पर मैं बटर डालती हूँ तो वो बटर जल जाता है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, ये बटर मैं इस बोल में ले रही हूँ, इसके साथ मैं थोड़ा सा तेल भी मिक्स कर रही हूँ, इसी के साथ पाव भाजी मसाला भी डाल दिया है, और इसी के साथ मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। अब ये जो मेरा मिक्सचर है अच्छे से मैंने बना लिया। ये मेरा मिक्सचर अच्छे से बन गया है और आपके सामने मैंने वहां तवा रखा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको अच्छे से ये पूरे पाव को मैं अब चाकू से ये मसाला लगाकर भूनूंगी। दोनों भी साइड से मैं पाव को भूनने वाली हूं। अब देखिए थोड़े मसाले में थोड़े ही बटर में हमारा पूरा काम हो जाता। ये मुझे अभी सूझा क्योंकि मैंने एक बार बनाई थी तो तवे पर ही बहुत बटर लग गया था और तवे पर भी बटर जल गया था। अब ये बटर इसमें समा जाएगा और अच्छे से हमारे पाव को भी कोट हो जाएगा। तो ये मैंने इस बार ऐसा किया है, आपको दिखा रही हूँ। कम पड़ेगा तो हम मसाला फिर से बना सकते हैं ये, पर अभी तो हम इसे ऐसा ही कोट करके लगा देंगे। हमारे पाव भी सिक कर तैयार हो जाते हैं तब तक। ये हमने पहले डाला था, इस पाव को हम पलट लेते, देखिए ये भी हमने पहले डाला था, ये भी अच्छा सिक गया है। इसमें मसाला थोड़ा कम हो गया है तो मैं बना लेती हूँ। और अब मुझे 3 पाव के लिए मसाला बनाना है तो ज्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए बटर, ऑयल, हरा धनिया और ये पाव भाजी मसाला। अब इसको भी मैं सेकने को लगा देती, इसको मैं पलट देती हूँ। ये भी पाव को मैं पलटती हूँ
और इसे भी मैं अच्छे से पलट देती। देखिए अब ये मेरा पाव, पहला पाव मेरा हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ और यहाँ पर एक दूसरा पाव मसाले से कोट करके रख देती हूँ। ये देखिए ये भी मेरा हो गया है और एक नया पाव हम ऊपर रख देते हैं। ये भी पाव अच्छे से हो गया है और ये भी मैंने पलटा था, ये भी अच्छे से हो गया। अब हमारा एक ही पाव बचा है, उस एक पाव को मैं इसमें ऐसे डुबा कर पूरा लगा लेती हूँ। और हमारे सारे पाव मसाला से अच्छे बन गए हैं। हमारे पाव सिकने के बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ, फिर हम इसे सजाएंगे। ये देखिए तवे पर का पूरा बटर हमारा निकल गया है और कुकर की सीटियां हो रही है। कुकर की सीटी होकर कुकर ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कुकर में हमारे पाव भाजी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। ये अब मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ ढककर। और ये पाव भाजी की प्लेट मैंने सजाई है आपके सामने ही। मैंने पाव भुने थे, पाव भाजी पर मैंने ये थोड़ा सा चीज़ डाला था, मेरे पास जो चीज़ है वो मैंने थोड़ा चीज़ इसके ऊपर डाला और ये थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज, बस इतनी ही चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाली और नींबू रख दिया क्योंकि किसी किसी को खटास चाहिए रहती है। और अब ये हमारी कुकर में 20 मिनट में हमारी पाव भाजी तैयार हो गई। आज हमें कुछ नहीं करना पड़ा। देखिए बहुत अच्छी लग रही और इसकी खुशबू सारे घर में फैल गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिए और मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए खाइए खिलाइए और आपकी उल्टी गुल्टी को अच्छी अच्छी कमेंट्स जरूर जरूर भेजिए। कल हमने पाव भाजी बनाई थी और आज मैंने कल हमने पाव भाजी का मसाला बनाया था, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। और आज मैंने आपको उस ताजे मसाले से पाव भाजी कैसे बनाना है वो भी बता दिया। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी है।